वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर वेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आपके चेहरे में जो वो छोटी छोटी परेशानियाँ आ जाती हैं, जो स्किन में कई बार हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे दिखने लगते हैं, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है। इसके अलावा स्किन में अनचाही परेशानियाँ जैसे कि छोटी छोटी सी होती हैं लेकिन हमारी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से बिगाड़ देती है। जी हाँ, ग्लास स्किन या फिर ऐसी स्किन हर कोई चाहता है जो कि बहुत ही, जिसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, डार्क स्पॉट्स ना हो। एंड अगर आप 40 के ऊपर हो यानी 40 के ऊपर हो तो आपके स्किन में रिंकल फाइनेंस आना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर उसके पहले आप, अगर आपके स्किन में दाग धब्बों के साथ साथ स्किन में रिंकल्स फाइन लाइंस दिखने शुरू हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक परेशानी की बात हो सकती है। लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक सीरम या कई सारे ट्रीटमेंट भी मार्केट में आए हैं जिनको आप करवा सकते हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड बात रही सीरम एंड कॉस्मेटिक की, तो कई बार हमें पता ही नहीं होता हमारी स्किन का टाइप क्या है या हमें कौन सा सूट करेगा, तो हम महंगे महंगे सीरम क्रीम्स में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उनका फ़ायदा हमें उतना अच्छा नहीं मिलता। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम एक बहुत सिंपल सा रास्ता अपना सकते हैं जो कि घर में सिर्फ मात्र 3 से 4 चीज़ें यूज़ करके, घरेलू चीज़ों को यूज़ करके उसको करना है, जो कि बेसिकली 2 स्टेप में होने वाला है। टाइम की बात की जाए तो 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा लेकिन उसके रिज़ल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके साथ ही साथ बिना किसी खर्चे के, इसके साथ ही साथ बिना किसी केमिकल वाले ट्रीटमेंट के। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हैं जो सबसे हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पोटैटो यानी आलू। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले एक चुटकी फिटकरी। फिटकरी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे चैनल के आई बटन पे क्लिक करके फिटकरी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारी स्किन के लिए, उसमें वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, या फिर आप गूगल पर भी सर्च करके सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट के बारे में आप पहले जानकारी लेना है। वो है हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल एंड यहाँ पर थोड़ा सा शहद एंड बेसन। किस प्रकार फॉलो करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन को क्लीन करना है, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, जो भी आप क्लेंज़र, जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मेकअप वगैरह है तो किसी क्लेंज़र से आप अपना मेकअप रिमूव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेकअप के ऊपर अगर आप ये सब करते हो तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद क्या करना है हमें, हम सबसे पहले आलू को कद्दूकस करके उसका अच्छे से एक तकरीबन 2 चम्मच के आसपास यहाँ जूस निकाल लेंगे। उसके बाद जब जूस को 15 से 20 मिनट के लिए रखे रहने दीजिए। उसके बाद ऊपर का जो पतला वाला हिस्सा उसको थोड़ा सा हटा दीजिए, यानी जो पानी पानी ऊपर का तैर रहा, उसके बाद जो थोड़ा सा नीचे का थिक जो गाढ़ा सा रस है उसको ले लेना है। उनमें आपको 1 चम्मच आलू का जूस लेना है, उसमें आपको 1/2 चम्मच के आसपास रोज़ वाटर मिक्स करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिससे, जो कि हमारी स्किन को क्लीन भी करेगा, एक्सफोलिएट भी करेगा, स्किन को टाइटन भी करेगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच आलू का जूस लेना है, उसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 चम्मच शहद, थोड़ा सा 1 चुटकी फिटकरी एंड इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच के आसपास बेसन। इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमारा जो सेकेंड स्टेप के लिए बेसिकली मसाज कम फेस पैक प्रिपेयर है, इसको आपको रेडी करके साइड में रख देना है। तो आपको इसको किस प्रकार फॉलो करना है वो चीज़ आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप के लिए एक्सफोलिएटर प्रिपेयर किया था आलू के जूस का, उसको अपने चेहरे में अप्लाई करना है, अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए मसाज करना है। उसके बाद दोस्तों आलू, कच्चे आलू के जूस बहुत ज़्यादा, कच्चे आलू का जूस बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलस हमारे स्किन के लिए होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, ये नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है, नेचुरली तरीके से स्किन को लाइट और ब्राइट करता है। उसके साथ ही साथ आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को भी हल्का करता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे पिगमेंटेशन है उसको भी हल्का करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो उसके साथ ही साथ पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है आलू का जूस। तो उसके बाद तो उसके बाद इसको 5 मिनट तक मसाज करने के बाद कॉटन से या फिर गीले टॉवल से साफ कर देना। उसको लेना है बेसिकली जो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यूज़ किया, ये क्या करेगा, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, क्योंकि आलू में माइल्ड एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को नेचुरली तरीके से एक्सफोलिएट करता है, यानी जो डेड सेल की लेयर जमा हो जाती है उसको रिमूव करता है। उसके बाद हमें जो सेकेंड स्टेप यहाँ पर यूज़ किया उसके लिए
उसे हमें उस पैक को लेना है, पूरे चेहरे में अप्लाई करना है। उसके बाद इसको छोड़ देना है 25 मिनट के लिए। 25 मिनट बाद जब ये सूख जाए, हल्का सा गीला भी रहे तो आप हटा देंगे, अगर लेकिन अगर आपके पास 25 मिनट बाद आप इसको रिमूव कर देंगे कॉटन की सहायता से, आप इसको गीले टॉवल से साफ़ कर दीजिए। अब आप देखोगे आपका स्किन इंस्टेंट काफ़ी ज़्यादा लाइट और ब्राइट फील होगा। इसके साथ ही साथ इसको अगर आप वीक में दो बार करते हो तो 5 से 6 वीक आप लगातार इसको जब यूज़ करोगे तो आपके चेहरे की जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, जो कि है छोटी लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं, तो उनको काफ़ी हद तक कम कर देगा। यानी दाग धब्बों को रिड्यूस करेगा, पिगमेंटेशन को लाइट करके स्किन को इवन टोन करके स्किन में कसाव लाएगा। अगर आपकी स्किन में रिंकल फाइनेस का अपीयरेंस है तो आलू में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वाइटनिंग सी होता है। इसके साथ ही साथ ये हम जो पूरी रेमेडी है हमारी स्किन में कोलाजन को भी बूस्ट करता है। इसके साथ ही साथ शहद में एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करके स्किन को टाइटन करता है यानी कसाव लाता है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के दाग धब्बों को रिड्यूस करके रिंकल्स को खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों सिंगल सिंगल इंग्रेडिएंट काफ़ी ज़्यादा मिरेकुलस इसके रिजल्ट हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट हैं, मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। प्लीज़ मेक श्योर पहले पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद ही फॉलो करें, क्योंकि आलू में विटामिन सी होता है तो बहुत सारे लोगों को इसका ये नहीं सूट करता। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ उसे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।